नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए आपके साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जामुड़ी में काशी गोमती ग्रामीण जनसेवा केंद्र में चार बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। बता दें कि जनसेवा केंद्र में काशी गोमती ग्रामीण बैंक की मिनी शाखा है, इसमें आसपास के क्षेत्रीय ग्रामीण आधार कार्ड से पैसे का आदान प्रदान करते हैं। रोज की बात, आज भी यह जनसेवा केंद्र खुला और लोग अपने कार्य कर रहे थे कि इसी बीच लगभग 12 बजे बदमाशों ने असलहों के बल पर जनसेवा केंद्र से लगभग 1.5 लाख रुपए की लूट कर ली और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करना शुरू कर दी। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, SPCT और DIG घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। देखिए, थाना मुबारकपुर में जो ये ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, यहाँ पर करीब सुबह 12 बजे करीब की घटना है। 3 बदमाश अंदर आए और उन्होंने वेपन के दम पर वहाँ पर सब लोगों को एक तरफ करके मेज में जो ड्रॉर में 1.5 लाख रुपए रखा था उसको लेकर वो चले गए। ये घटना घटी है, इसमें आगे जो पुलिस द्वारा इसको पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जी, कितनी टीम गठित की गई है? इसमें करीब 5 टीम गठित की गई हैं शीघ्र अलावा के लिए। जी, और ये बताइए सर कि 5 टीम गठित की गई हैं और कि कौन कौन टीम की इसकी कर रहे हैं अभी तक? नहीं, इसमें इंस्पेक्टर मुबारकपुर हैं, एक SWAT टीम लगाई गई है, इंस्पेक्टर कोतवाली को लगाया गया है और इंस्पेक्टर जहानागंज को लगाया गया है। इस तरह की 5 टीमें गठित। कुछ लोगों को उठाया भी गया क्या? आपको संदिग्ध को उठाया भी गया जी।